व्यूअर साहब, खिताए चुनाव की खबरों के साथ मैं फियाज पांपोरी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश हैं चंद हेडलाइंस। म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा के आरजी मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल, 5वें रोज में दाखिल। मुस्तकिल मुलाजमीन ने शुरू किया सफाई का काम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा एक बार फिर बंद। कीड़ा के मुकाम पर हजारों टन मिट्टी गिरकर सड़क पर आई। 13 बरस से मफरूर मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में, दफा 512 के जारी हुए थे वारंट। और भद्रवाह में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, 8 कॉलेजों के 350 स्टूडेंट्स ले रहे हैं हिस्सा। पेश हैं खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा से मुंसलिक आज सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल आज 5वें रोज में दाखिल हो गई है। मुसलसल हड़ताल की वजह से कस्बा डोडा और उसके गिर्द निवाह में साफ सफाई का काम बुरी तरह मुतासर हुआ है। सफाई कर्मचारी 28 फरवरी 2020 से डोडा में काम छोड़ हड़ताल पर हैं। आहता टाउन हॉल डोडा में एहजाजी धरने पर बैठे आरजी सफाई कर्मचारियों ने बताया है कि वो मांगे पूरी होने तक काम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि वो SRO 520 के मुखालिफ हैं और मजकूरा SRO के तहत भर्ती के सख्त मुखालिफ हैं। हड़ताली मुलाजमीन की मांग है कि हुकूमत SRO 64 के तहत ही आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ने रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से अपील करते हुए कहा है कि उनके मुतालबात को फौरी तौर पूरा किया जाए। बसूरत दिगर वो पैदल जम्मू मार्च के लिए तैयार हैं, जिसके बाद की सूरत हाल के लिए इंतजामिया जिम्मेदार होगी। इधर सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल से शहरियों को गंदगी व गलाजत के ढेर पैदा होने वाली बदबू से सांस लेने में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिंदाबाद। मुलाजमों को पता करो, पता करो। संदेश हमारा नारा है, संदेश हमारा नारा है। हमारी हड़ताल है 28 तारीख धरना थे, तो 1 तारीख से हम हड़ताल पे गए हुए हैं। हमारी मुतालबा यह है कि हम गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि हमें रुगलाइज किया जाए, तो वादे पे वादे। पिछले साल भी हमने हड़ताल की 2019 जनवरी में भी हमने हड़ताल की थी, उसके बावजूद भी उनने 1 महीने का टाइम हमसे लिया हुआ था। आज 13-14 महीने हो गए हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें फिर हड़ताल, काम छोड़ हड़ताल करना पड़ा। यही है कि जिन को भी आज इस डोडा म्यूनसिपलिटी में 18, 19, 20 साल से कैजुअल लेबर है, हम इनको ये बोल रहे हैं कि इनको रुगलाइज करो। और यही एक हमारी जो अहम डिमांड यही है कि रुगलाइज का सर 520 जो था, तो वो तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर लागू हो जाए। हम यही चाहते, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि SRO चोट जो इन्होंने निकाला था 7 साल के बाद, SRO चोट है उसके तहत हमें रुगलाइज किया जाए। इधर म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा में काम करने वाले मुस्तकिल सफाई अहलकारों ने मंगलवार बाद दोपहर आरजी सफाई अहलकारों की तरफ से जारी 5 रोजा हड़ताल से खुद को अलहदा करके कामकाज शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर बल्दिया में काम करने वाले आरजी मुलाजमीन मुस्तकिल मुलाजमत के लिए गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुतालबा करते आए हैं। इस सिलसिले में 28 फरवरी से ये आरजी मुलाजमीन फिर से काम छोड़ हड़ताल पर हैं, जिस वजह से सदर मुकाम कस्बा डोडा के बाजारों और मोहल्लों में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हुए हैं। ताहम आज बाद दोपहर म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा में काम करने वाले मुस्तकिल मुलाजमीन ने काम शुरू किया। ताहम कस्बा के अंदरूनी इलाकों और डाउन टाउन में अब भी हालत नागुफ्ता बनी है। आज एक बार फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा उस वक्त गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हुई जब रामबन के पीड़ा के पास हजारों टन मिट्टी पस्सी की शक्ल में सड़क पर गिर पड़ी। ये वाका सुबह 10 बजे हुआ और तब से आखिरी इत्तलात मिलने तक सड़क बंद है। रास्ता बंद होने की वजह से सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं और मुसाफिर जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं। हुकाम का कहना है कि सड़क खोलने का काम जारी है और मलबा साफ होते ही गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी।
आज से 13 बरस कबल एक मुबैना जुर्म में मुलवस एक मफरूर शख्स को पुलिस ने इलाका बंदों में गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हुए इस शख्स को डोडा पुलिस ने सख्त मशक्कत के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस शख्स का नाम नाथ सिंह बताया जाता है, जो अरसा 13 बरस से मफरूर था और पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा था। इस सिलसिले में जुडिशल मजिस्ट्रेट गुंदों ने मफरूर के खिलाफ दफा 512 के तहत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। पुलिस के मुताबिक SHO पुलिस थाना गुंदों ने मफरूर शख्स को गिरफ्तार करने के लिए अपने जराए को मुतहरक करने के साथ ही मफरूर अपराध के घर वालों से भी पूछताछ की और आखिरकार पुख्ता जराए के मदद से पुलिस पार्टी ने मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। 2 तारीख की रात को पुलिस ने एक हमारे बस कॉन्डर यहाँ का बड़ा पुराना ड्रीडेड बस कॉन्डर था नथा सिंह जना तीरथ राम, उसको गुंदो पुलिस ने अरेस्ट किया कल की रात को। उसके खिलाफ हमारे 2 FIR लगे हुए थे। एक FIR नंबर 2007 में लगा हुआ था 302 में, जिसमें हमारे यहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर थे गुलाम अहमद रासर, उनकी डेथ हुई थी। 2010 से बस कांड हो गया था, उसके बाद इसको कंटिन्यूसली पकड़ने की कोशिश की गई। एवेंचुअली उसके बाद में एक बार जब टीम पकड़ने गई थी तो 2016 में वहाँ पर जो टीम पकड़ने गई थी उन पर इसने फायर खोला था, तो इनके ऊपर एक और बच्चा लगा हुआ था। तो ये बड़े ड्रीडेड बस कांडर थे, तो कल शाम को बड़ी एक कामयाबी मिली इसको पकड़ने में। उसके अलावा भी हम कंटिन्यूसली सब डिविजन गुंडों में बस कांडर के खिलाफ ड्राइव हमारी जारी है। पिछले साल में 20 से ज़्यादा बस कांडर हमने ऑलरेडी पकड़े हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू के लोगों ने एक बार फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर रामसू को तरक्की देकर एक्सीडेंटल अस्पताल बनाने का मुतालबा दोहराया है। इलाके के लोगों का कहना है कि साल 1970 में कायम हेल्थ सेंटर रामसू के बाहर चंद बरस कबल गर्च PHC का बोर्ड नसब किया गया था, मगर अमरवा का यह है कि ये मेडिकल सेंटर अब भी सिर्फ मेडिकल सेंटर के तौर ही काम करता है। लोगों का यह भी कहना है कि मस्कुरा सेंटर के बाथरूम में लेबोरेटरी चलाई जा रही है। अवाम का यह भी इल्जाम है कि इस सेंटर में कई मसाइल हैं और गुज़श्ता 50 बरसों में इलाका की आबादी में बेपनाह इजाफा के बावजूद इस सेंटर को तरक्की न दी गई है और हुकूमतों की तरफ से शोबा सेहत में लोगों को बेहतर सहूलियात पहुंचाने का नारा अब भी एक सराब बना हुआ है। यहाँ पे हमारे इस नेशनल हाईवे पे यानी कि डिगडोल से लेकर तो शेर बीबी तक ये एरिया पड़ता है, यहाँ पे हमें हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। स्टाफ हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। 2 बेड हैं, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाए तो अगर हमारी डिलीवरी वाली लेडीज अंदर हो उनको हमें नीचे उतार कर हमें दूसरे पेशेंटों को वहाँ पे देखना पड़ता है कि बेड यहाँ पे पहले ट्रामा हॉस्पिटल के बारे में बोला गया, फिर एक्सीडेंट इमरजेंसी एक्सीडेंटल के बारे में, लेकिन यहाँ पे डिस्पेंसरी को PHC का बोर्ड लगाया बाहर से, ये लोगों के साथ धोखा है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। आप यहाँ पे KORT के? हाँ, मैं KORT से, यहाँ पे हिमालयन KORT से, हमारा काम ही तो एक्सीडेंटों से ही है ज्यादा। तो यहाँ पे हमेशा देखा गया है कि हमें हमेशा यहाँ पे पेशेंटों को, जो पहले के पेशेंट होते हैं, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें उन पेशेंटों को शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं बाहर रखना पड़ता है बरांडे में, कभी कहीं करना रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें हॉस्पिटल की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है हमें। इससे पहले आपने कभी क्या आला हुकाम से बात पहुंचाई थी? बिल्कुल, हमने अपने सब जितना भी हमारा मजिस्ट्रेट है हमने उनसे भी बोला, कई बार हमने यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन यहाँ पे किसी ने आज तक कोई बात नहीं सुनी। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल अच्छा, जहाँ पे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे कभी भी हादसा पेश आ सकता है। यहाँ पे ये पता नहीं है कि कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, लेकिन यहाँ पे 2 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे PHC के बोर्ड लगाया हुआ है PHC का, लेकिन अंदर जो है डिस्पेंसरी का 2 बेड का हमारा हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि लैब के लिए 200 स्क्वायर फुट जगह होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी लैब के लिए जगह एक बाथरूम में लैब सेट की है, जिससे हमें बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पेशेंट को कहाँ पे बिठाएं, वो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे मुझे बाथरूम नहीं है। कोई भी पेशेंट आता है, अगर उसको यूरिन एग्जाम डॉक्टर लिखता है तो उसको ओपन में जाना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेसी है, हम भी माँ बहन हैं। ये देखो, ये लैब के लिए जगह, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी हम इतने सारे छोटे से कमरे में छोटा मोटा काम चला लेते हैं।
यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लैब के लिए जगह नहीं है, बाथरूम नहीं है। जो लाल सिंह थे उन्होंने यहाँ पे जो इसको PHC में कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने लैब सेंक्शन कराई थी यहाँ पे। तो हम तकरीबन अब 4-5 साल से देख रहे हैं, बता रहे हैं कि आजकल हॉस्पिटल आएगा, आज बड़ा हॉस्पिटल आए, ट्रामा हॉस्पिटल आएगा, तो देखने में कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे तो अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। तो इधर छोटा सा एक बाथरूम था, इसी में हम काम चला रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट को कहाँ पे बिठाए, खुद कहाँ बैठे, आप देख रहे हो थोड़ी छोटी सी जगह, अगर ऐसे मुड़े तो हमें सारे सामान नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, जगह ही नहीं है। ये तो आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में काम चला रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात है कि यहाँ पर बिल्डिंग की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात जो है वो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें स्टाफ के लिए कोई क्वार्टर नहीं है। बाकी जो है हमारे पास बिल्डिंग की प्रॉब्लम बहुत है। वार्ड हमारे पास एक है, उसमें एक बेड लगता है। जितनी भी इमरजेंसी हमारी आती है तो वो सब उसी बेड में होती है। जैसे हमारी डिलीवरी होती है वो भी, जनरल पेशेंट वो भी आता है, इमरजेंसी होती है वो भी आता है। तो हमें बिल्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है, बाकी हमें स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, हर चीज़ हमें सब कुछ ठीक है। हमारे पास सामान है, सामान रखने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि बिल्डिंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो बाकी हमारे पास हर चीज़ की, यहाँ पर जो सामान है वो सड़ गया है, क्योंकि जब बिल्डिंग नहीं है तो उसको कहाँ पर रखेंगे। अभी ये PHC NRHM की तरफ से, स्टेट की तरफ से कोई ये PHC नहीं है। अभी हमारे सुना कि ये अप्रूवल इन्होंने ट्रामा के लिए भेजा है, तो हमारे अभी यहाँ सेंक्शन नहीं हुई। हमें भी बहुत 7-8 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, हम आज सुनते हैं कल आएगी बिल्डिंग आ जाएगी, तो अभी तक हमारे पास यहाँ कोई नहीं। जो भी है वही वैसे ही है, ये पुराने जमाने की बिल्डिंग है। तो हमें प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी डील करने में। जब भी यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, कभी कभार यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो 20-30 जख्मियों को लाते हैं, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर उनको हैंडल करने में। तो हम अपनी ड्यूटी बड़े आराम से देते हैं, इमरजेंसी डील करते हैं, बाकी यही है कि बिल्डिंग की बहुत ही प्रॉब्लम। तो सर अभी आपके आला हुकाम से क्या, हमें यही आला हुकाम से यही है गुजारिश है कि यहाँ पर ट्रामा हॉस्पिटल दिया जाए और बिल्डिंग दिए जाए, जितनी भी हो सके जल्दी से जल्दी बिल्डिंग दिए जाए, तो हमारी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ड्राइवरों के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर रहने के लिए, बाकी हर चीज के लिए यहाँ पर ड्राइवर होना चाहे, उसके लिए यहाँ पर कमरा होना चाहे, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं है। ठीक है सर। गुज़श्ता रोज रामबन में नए तैनात शुदा SSP हसीबुल रहमान ने पुलिस हेडक्वार्टर रामबन में एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में मौजूद शहरियों, मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी और तजारती तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में अवाम ने नए SSP का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि वो समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अवामी नुमाइंदों ने बताया कि जिला में मंशियात का फैलाव और तस्करी खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं, जिस पर फौरी कदगन लगाने की जरूरत है। SSP ने लोगों को यकीन दिलाया कि पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए है और अवाम की मदद से पुलिस जराइम पर काबू पाने की पूरी कोशिश करेगी। पर्याप्ति पर इस मसले को हल करने के लिए तवज्जा दिलाएं कि अगर 12 महीने इस इलाके की गाड़ियां इस पुल से गुजरें तो उतनी तादाद नहीं बनती जितनी एक दिन में गाड़ियां गुजरी हैं, जिनमें लोड कैरियर गाड़ियां, हल्के लोड वाली पैसेंजर गाड़ियां यहां से गुजरी हैं। इंट्रोडक्शन यहां आने से पहले ही मुझे आप लोगों के बारे में, हमारे बच्चों को वो सहूलियात फराहम नहीं होती हैं जो बाकी शहरों में होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। इस्लामी हमने ड्रग्स के अगेंस्ट मुहिम छेड़ी हुई है। पुलिस पब्लिक मीटिंग थी, मकसद ये था कि पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई फासला ना रहे और जो पब्लिक के इम्पॉर्टेंट कुछ इश्यूज़ हैं वो हमें बताएं तो हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पुलिस के रिलेटेड हों या जिसमें हम उनकी कोई मदद कर सकें। तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे उठे, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम चल रहा है, नेशनल हाईवे की वाइडनिंग हो रही है, इसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के आवाम ने मसाइल उठाए हैं उनको कंसर्नड जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि उनका कोई।
सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 7वीं बटालियन की तरफ से खलेनी डोडा में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चलने वाले इस कैंप में खलेनी के गिरदनवा से 200-300 के करीब लोगों ने शिरकत की। एसएसबी के कमांडेंट डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने मुख्तलिफ बीमारों में मुब्तला लोगों का मुआयना करके उनको जरूरी अद्वियात फराहम की और मजीद सलाह से भी नवाजा। इलाके के अवाम का कहना था कि वो एसएसबी के शुक्रगुजार हैं जिनकी तरफ से हर बरस बड़े पैमाने पर मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया जाता है। एसएसबी का कहना है कि खलेनी मरम्मत और ऐसे ही दूसरे इलाकों में अवाम को बहुत कम सहूलियात मैसर हैं, इसलिए इस इलाके में हर बरस मेडिकल कैंप मुनक्कद किया जाता है। अवाम ने जिला डोडा के दूर दराज इलाकों में ऐसी तरह के तिब्बी कैंप करने की मांग की है। एसएसबी के अफसरान का कहना था कि आज के कैंप में 200 से जायद बीमार अपराध का मुआयना हुआ और इनमें मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। मेरा नाम सागर सिंह है। अच्छा लगा आज से नहीं बल्कि 3-4 साल से लगा रहते हैं, अस्पताल में सफाई करवाते हैं। बहुत अच्छा कैंप जब भी लगता है तो बहुत अच्छा, हर किसी को गरीब को दवाई मिल जाती है, उस दवाई से लोगों को फ़ायदा है। अभी तो लोग पहुँचे नहीं, बहुत से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ 4 बजे तक ऐसा ही माहौल चलता रहेगा। अच्छी बहुत हम चाहते हैं कि अगर गांव में कहीं लगें, सास में, श्री में, कठोखड़ा में, कलौता में या परियोत साइड में, तो बहुत अच्छी बात है। आज एसएसबी ने अपने एक जो मेडिक सिविक एक्शन प्रोग्राम है और कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम है के तहत आज हमने सुबह एक मेडिक सिविक एक्शन चलाया है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा का वितरण किया गया है दवाइयों का, और उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हमारे पास लोग आए हुए और उनको हमने मुफ्त में जो उनका इलाज विभिन्न बीमारियों से थे उनका इलाज और उनको सलाह मुफ्त सलाह जो हमने जो एसएसबी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है वो किया गया है। जिला डोडा के बदरवा में आज इस बरस के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हुआ। इस फेस्टिवल को महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से मुनक्कद किया जा रहा है। फेस्टिवल की इफ्तिताह आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने किया। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में 8 कॉलेजों के 350 से ज्यादा तुलबा हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल के दौरान कई तरह के खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे जिसमें दर्जनों टीमें हिस्सा लेंगी। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता, तुझमें ही नवाती शीश, हे शारदे मैया दे अपना आशीष। फॉर प्रेजेंटिंग सरस्वती वंदना आई एकेडमिक्स अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देता हूँ। शुरुआत स्पोर्ट्स फेस्टिवल और आज के वाइल्ड लाइफ डे के हवाले से हुई है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो आज वधरवा डिग्री कॉलेज में जिसका इनॉग्रेशन किया, आप जानते हैं कि इसमें ना ही सिर्फ ज़िले के हमारे डिग्री कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन बाकी रामबन के बनिहाल के ये सारे डिग्री कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सारे उन पार्टिसिपेट्स को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है बच्चों की पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए। मैं देख रहा था कि अलग अलग स्पोर्ट्स बच्चों ने ऑलरेडी एंजॉय करना शुरू कर दिया था। टग ऑफ वॉर है, रेस्लिंग है, रेस्लिंग का अचीवमेंट एक अचीवमेंट भी बदरवा डिग्री कॉलेज का हमारा रहा है। तो मैं सारे बच्चों को अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के खबरनामे का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।